सब्सक्राइब कीजिए शिवानी की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी, स्वागत है आपका शिवानी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी फ्राई। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये कम टाइम में बन भी जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसमें मैं बहुत ही कम मसालों का यूज़ करके बना रही हूँ, तो एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज की इस गोभी फ्राई रेसिपी को शुरू करते हैं। गोभी फ्राई बनाने के लिए यहाँ मैं ली हूँ 250 ग्राम गोभी। इसको मैं इस तरीके से कट कर ली हूँ, ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेज में, और इसको मैं अच्छे से गर्म पानी में धो दी हूँ। और उसके बाद एक बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, 4 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच जीरा, 1 साबुत लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करके पैन चढ़ा दिए हैं और इसको गरम कर लिए हैं। अब इसमें डाल देते हैं 4 चम्मच तेल। हम यहाँ पर सरसों का तेल यूज करें, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको गरम होने देते हैं, तब हम इसमें जीरा और मिर्च डालेंगे। तेल गरम हो चुका है अच्छे से, अब हम इसमें जीरा और लाल मिर्च डाल देंगे और इसको भी थोड़ा सा पकने देते हैं। जीरा और मिर्च पक चुका है, अब इसमें प्याज डालेंगे। और प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट तक पका लेंगे। 1 मिनट ही पकाना है, तो हम इसको 1 मिनट पका लेते हैं प्याज को। देखिए प्याज भी अच्छे से पक चुका है, हम 1 मिनट बस प्याज को पका है। अब इसमें सारा गोभी डाल देंगे, सब हम गोभी लिए हैं, सब गोभी को हम डाल के और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। गोभी को हम कर दिए मिक्स, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इस दोनों को डाल के हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसमें नमक भी डाल देते हैं, तो हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे। देखिए हम गोभी को अच्छे से मिक्स कर दिए मसालों में, अब इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। इसमें 1/2 चम्मच नमक डाले हैं, नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसमें बहुत ही कम मसालों का यूज़ किए हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। हम इसमें बहुत ही कम मसालों का यूज़ करते हुए इसको हम बनाए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, उसको ढक के 5 से 7 मिनट पकाएंगे। बीच बीच में चेक करते रहे, हम इसको ढक देते हैं और इसको 5 से 7 मिनट हम अच्छे से पकाएंगे। 4 मिनट हो चुका है, तो हम एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अभी अच्छे से नहीं पका है, 2-3 मिनट इसको और पकाना है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और उसका 2-3 मिनट और हम इसको पकने देते हैं, तब गोभी अच्छे से पक जाएगा, तो हमारा गोभी फ्राई बन के तैयार हो जाएगा। इसको फिर से ढक देते हैं और 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं। ठीक है, 7 मिनट हो चुका है, हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। गोभी भी अच्छे से पक चुका है। इसमें थोड़ा सा तेल का ज़्यादा यूज होता है, बाकी मसाले तो बहुत ही कम यूज होते हैं इसमें। और ये आप देख सकते हैं गोभी कितने अच्छे से पक चुका है। अब देखिए तो हम गैस को कर देते हैं और बहुत ही झटपट बन जाता है सब्जी। आप इसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो गैस को कर दिए ऑफ, अब इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। सॉरी, मैं धनिया पत्ता डालना भूल गई थी, तो मैं इसको गैस को ऑफ करके और इसको धनिया पत्ता ऊपर से डाल देती हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं धनिया पत्ता डाल के। धनिया पत्ता डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, तो हम धनिया पत्ता डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, गोभी फ्राई बनके तैयार है। देखने में लग रहा है बहुत ही अच्छा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करें और पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लाऊंगी, तब तक के लिए बाय।